12 बजे की सबसे बड़ी खबर एक आइलैंड के बारे में जो कभी अपना था। और सबसे बढ़कर ये कि इस बात का इतराफ खुद नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कर चुका है। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तिबू क्या है, क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था। जी हाँ, ये वही कच्छ तिबू है जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1974 में श्रीलंका को फालतू जमीन समझकर सौंप दिया था, इसीलिए यह कच्छ तिबू आज भारत के पास नहीं है। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कौन था उस समय? अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ट्वीट ही किया था, परंतु इस खबर ने तो सोशल मीडिया में चारों तरफ आग लगा दी है। और यही वो काला धन है जिसके जरिए मोदी सरकार हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग देती है। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे पैसा होता है, ये तो कारोबार है। मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तिबू वापिस ले आइए। धंधों में बढ़ता चला जा रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं इसके अपने मुल्क में भी। और इन गलत पॉलिसियों से भारत में बेचारा गरीब गरीबतर और अमीर अमीरतर होता चला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ तिबू टापू की बात की थी। जी हाँ, वही कच्छ तिबू टापू जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1974 में श्रीलंका को फालतू जमीन समझकर सौंप दिया था। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से देश को बर्बाद किया है, भारतीय जमीन कच्छ तिबू टापू को श्रीलंका को सौंप दिया है, इसीलिए भारतीय जनता कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ट्वीट ही किया था, परंतु इस खबर ने तो सोशल मीडिया में चारों तरफ आग लगा दी है, क्योंकि कच्छ तिबू टापू 285 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, परंतु इस वक्त वह अब श्रीलंका के पास है। खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले वीडियो देखते हैं। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तिबू क्या है, कोई पूछे इनको कच्छ तिबू क्या है, इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छ तिबू और ये कच्छ तिबू कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए, इतनी बड़ी बातें लिख कर करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तिबू वापिस ले आइए। एक कच्छ तिबू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहां गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था, और इसको भी आपने तोड़ा, और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है, भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे, मैं दौर थी के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं थे, और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था। ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था, ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था,
ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए डील करते हुए